डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग फिजिक्स में प्रकाशिकी खंड को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें पहला चैप्टर यानी कि प्रकाशिकी में जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है संबंध अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच के संबंध, उस पर न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने किया था पिछले क्लास में। चलिए आज पढ़ते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। तो टॉपिक दिया जाए वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन, ये हम लोग टॉपिक्स देंगे। अब वायुमंडलीय अपवर्तन को की घटना कौन कौन से है, किसको हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, उसके बारे में लिखा जाए। फर्स्ट अरो देंगे, लिखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के निम्नलिखित घटनाएं हैं, पहला तारों का टिमटिमाना, सेकंड सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय। याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना कौन कौन सी है, तो निम्नलिखित है, दो ठो प्रमुख है। पहला का है नाम तारों का टिमटिमाना। याद रखिएगा तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो उसका आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय का महसूस क्यों होता है, क्या तो वायुमंडलीय अपवर्तन। अब तारे का टिमटिमाना तो समझते हैं कि रात में तारे जो होते हैं ट्विंकलिंग करते हैं, ठीक है, वायुमंडलीय। लेकिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय का मतलब क्या हुआ? आभासी का मतलब होता है कल्पना करना, ठीक है, रियलिटी नहीं। एक होता है वास्तविक, रियल, और एक होता है हम लोग उसके बारे में सोच कर यानी कि कल्पना करना। तो आभासी समय जिसको बोल सकते हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। एक्चुअली हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तब हम लोगों को क्लियर होगा। तो मेन टॉपिक्स अभी हम लोग सीखेंगे कि आखिर तारे जो हैं क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो अब टॉपिक देंगे तारों का टिमटिमाना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि तारे आखिर टिमटिमाते हैं क्यों, उसका कारण को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए पृथ्वी का वायुमंडल शांत कभी नहीं होता है, कौमा गर्म तथा ठंडी हवा की धाराएं हमेशा बहती रहती है। याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल शांत कभी नहीं होता है, ठीक है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कभी भी शांत नहीं होता है, हमेशा जो है मूव करते रहता है, ठीक है। आप जानते हैं ना कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन हवा पाया जाता है और वो हवा क्या होता रहता है, मूव करते रहता है, घूमते रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखें कि पृथ्वी का वायुमंडल शांत कभी नहीं होता है, इसलिए गर्म तथा ठंडी हवाएं की धारा हमेशा बहती रहती है,
अच्छा, फिर अगर बात करें नेक्स्ट एरो का, लिखा जाए ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व कम होता है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व कम होता है और अपवर्तनांक भी कम होता है। अपवर्तनांक भी कम होता है। देखिए, सबसे पहला तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका सटीक आंसर लिखेंगे कि चूंकि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है कभी भी शांत नहीं होता है, यहाँ पे गर्म हवाएं ठंडी हवाएं हमेशा बहती रहती है, और गर्म हवा और ठंडी हवा, ध्यान रखिएगा, तो गर्म हवा और ठंडी हवा, तो ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व जो है, घनत्व भी कम होता है, याद रखिएगा, और अपवर्तनांक भी क्या होता है, कम होता है, यानी कि गर्म हवा का जो घनत्व है कम होता है, अपवर्तनांक भी कम होता है, लेकिन इसी की इसकी ठंड ठंड हवा की जो घनत्व है, ठंड हवा का घनत्व और अपवर्तनांक दोनों अधिक होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी के कारण जब हमारी आँख तक, यानी कि व्यक्ति जो देखता है उसकी आँख तक जो किरणें पहुँचती है, उतने ही समय में वायुमंडल में अलग जो वायुमंडल से आने वाली जो किरणें हैं अलग अलग मुड़ जाती है। तो अभी हम लोग क्या लिखें कि अपवर्तनांक कम होता है, लिखेंगे जब तारे से किरणें व्यक्ति तक पहुंचती है तो व्यक्ति तक पहुंचती है तो ये किरणें वायुमंडल में अपवर्तन में वायुमंडल के अपवर्तन में होने वाले परिवर्तन के कारण वायुमंडल के अपवर्तन में होने वाले परिवर्तन के कारण अगल बगल मुड़ जाती है, अतः 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 तारे टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अतः तारे टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। जी बिल्कुल, आप लोग याद रखिएगा, अगर कहीं भी सवाल आएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो सबसे पहला ये आंसर होना चाहिए पहले पॉइंट में कि चूँकि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कभी भी शांत नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है, यहाँ पे गर्म हवाएं ठंडी हवाएं हमेशा बहती रहती है, और हम लोग जानते हैं ठंड हवा की अपेक्षा गर्म हवा का जो घनत्व है वो कम होता है, अपवर्तनांक भी इसका कम होता है, अपवर्तनांक और घनत्व दोनों ही कम होता है। इसके वजह से हम लोग यहाँ पे एक निष्कर्ष निकालें कि चूँकि घनत्व भी कम होता है तो गर्म हवा का अपवर्तनांक भी कम हो गया। तो इसी तरीके से वायुमंडल में गर्म हवा ठंडी हवा के बहने के वजह से अपवर्तनांक में परिवर्तित होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। इसी परिवर्तन के कारण जो तारे से जो निकलने वाली किरणें हमारी आंखों पर पड़ती है, वही कभी लाइट ज़्यादा कभी लाइट कम, क्योंकि अपवर्तनांक में परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक्स है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडल में अपवर्तन में परिवर्तन होने होते रहता है, इसके वजह से तारे क्या होते हैं, हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय के बारे में।
टॉपिक बनाएंगे सूर्योदय तथा सूर्यास्त, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय। चलिए देखते हैं हम लोग कि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो दोनों में हम लोगों को आभासी प्रतिमा, आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है, रियलिटी नहीं, एक होता है वास्तविक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। लिखा जाए फर्स्ट पॉइंट, जब सूर्य की किरणें निर्वात से, निर्वात का मतलब जहाँ हवा नहीं हो, जब सूर्य की किरणें लगभग निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती है तो किरणें अपवर्तित हो जाती है, तो किरणें अपवर्तित हो जाती है। पूर्णविराम, जब सूर्य क्षितिज पर होता है, जब सूर्य क्षितिज, बताते हैं क्या होता है क्षितिज, जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो अपवर्तन के कारण नीचे की ओर मुड़ जाती है, अतः सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट और देंगे, लिखेंगे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच आभासी समय का लगभग अंतर 2 मिनट का होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय के बीच के लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। तो याद रखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के आभासी समय का मतलब क्या हुआ? आभासी समय का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है, कल्पना किया हुआ। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे ये देखें कि सूर्योदय और सूर्यास्त में जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो कैसा हमको दिखाई पड़ता है। तो चलिए एक फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। जैसे मान लिया कि एक अर्थ है, अर्थ मतलब पृथ्वी है, ठीक है, और इस अर्थ में हम लोगों को यहाँ पे ये मानव नेत्र है, ठीक है, ये हमारा नेत्र है, और इससे अगर मान लिया कि पृथ्वी से बिल्कुल सीधे, अगर हम अपने आँख से सीधे अगर देख पाते हैं कोई वस्तु को, तब हम उसको बोल सकते हैं क्षितिज। ये हो गया कौन सा? क्षितिज। अगर प्रकाश क्षितिज पर, रियलिटी में सूर्य अगर क्षितिज पर रहता है तो हमको अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होता है, सूर्य यहाँ हमको नजर आएगा, ठीक है, ये सूर्य रहा, ठीक है। और हम लोगों को दिखता कहाँ है रियलिटी में? यानी कि ये हम लोगों को दिखता है यहाँ पे, ये सन,
देख लीजिए, यानी कि अगर मान लिया कि हॉरिजन यानी कि क्षितिज पर अगर हम लोग को कोई सन रहता है तो ये हम लोगों को अधिकतर ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल का अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के कारण ही ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर इसका फिगर भी नीचे बना लीजिएगा कि अगर यहाँ पे पृथ्वी है और अगर वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट देखें क्षितिज, अगर हमको जो अनुभव होता है ये तो क्षितिज है, फिक्स लाइन है, लेकिन अगर सन नीचे रहता है तो उसको हम लोग अपवर्तन के कारण 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं। यानी कि जब कभी भी आपको शुरू का 2 मिनट जो सन निकलता है, सूर्योदय होता है, तो आप याद रखिएगा कि वास्तविक सन जो है 2 मिनट के बाद निकलता है। आप जो है सुबह या फिर शाम का आप रियल नहीं देख पाते हैं सूर्योदय। सूर्योदय एक्चुअली जब निकल गया उसके बाद 2 मिनट के बाद रियल सूर्योदय यानी कि सूरज आपको दिखता है। तो याद रखिएगा कि ये सब वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। तो दोस्तों, वायुमंडल के अपवर्तन में ये 2 टॉपिक्स था, तारों का टिमटिमाना और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय के बीच 2 मिनट का अंतर हो जाना। तो इसको हम लोग पढ़ें, फिर नेक्स्ट डे में हम लोग एक नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।